आंखों को रोने दे, लेकिन रुकना मत, तुझे चलते रहना है। हर दिन मंजिल के बीच आ रहे पहाड़ को खोदते रहना है, तू रुकना मत। कोशिशों का कद बढ़ाकर मंजिलों को तू पाता चल। एक बार सबका स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 4। पहले भी डिस्कस हो चुका है चैप्टर नंबर 3 और 4, हम 10 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी तो नॉलेज गेन करने के लिए हम पढ़ते ही हैं। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इनका वेटेज 10 मार्क्स का है। तो ये चैप्टर नंबर 4 है जिसका सीक्वेंस है मैट्रिक्स के बाद। अब बार बार हम आपको बताते हैं चैप्टर 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, दैट मीन्स 3 का रिलेशन है चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 इज बेस्ड ऑन दी मैट्रिसेस। इनफैक्ट इसकी डिफिनीशंस आप अभी मैं डिटर्मिनेंट को डिफाइन करूंगा, डिटर्मिनेंट्स। इफ वी डिफाइन द डिटर्मिनेंट्स देन वी फाइंड इट्स क्लोजली रिलेटेड टू मैट्रिसेस। ओके, ये एनसीईआरटी का पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। अगर बुक है तो अच्छी बात है, बुक से भी पढ़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शंस में, ये है पीएस लैपलास की फोटो लगी हुई है साइड में। लैपलास का काफ़ी रोल रहा है डिटर्मिनेंट्स सॉल्यूशंस में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं जो 10th क्लास में आपने पढ़ रखे थे। दीज आर लीनियर इक्वेशंस के, फिर बताया गया कि आपका सॉल्यूशंस कब सॉल्यूशन पॉसिबल होता था। ये कंडीशन थी a1 upon a2 b1 upon b2, ये आपने सब 10th क्लास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में पढ़ रखे हैं। कब यूनिक सॉल्यूशंस होता था, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास क्या होते थे, a1 b2 minus b2, a1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये यहाँ से कंडीशंस निकल के आई है सॉल्यूशन के बाद। इसी का रोल होता है डिटर्मिनेंट में। ओके, नेक्स्ट ये आप छोटी सी सेल्फ स्टडी का पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, आप जरूर पढ़िएगा। और बाकी मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा डिटर्मिनेंट्स में क्या डिफिनीशंस हैं। तो शुरू करते हैं वन बाई वन डिफिनीशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू मैट्रिसेस। ओके, देन टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स। इनफैक्ट सिंपली वी कैन से दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जितनी भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ये हमारा फोकस है, जितनी भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, सो देयर इज एन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। फिर से एक बार देखना, डिटर्मिनेंट्स केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइन है। तो पहली कंडीशन होगी मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर, क्या डिफाइन है, सो डिटर्मिनेंट्स को एक बार डिफिनीशन ध्यान से सुनिए। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर इज एन नंबर एसोसिएटेड विद द गिवन मैट्रिक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए, नंबर्स को डिफाइन किया है। ओके, सो आप एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिए कि नंबर्स का मतलब कोई भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर्स मीन्स कॉम्प्लेक्स रियल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अल्फाबेट्स भी हो सकता है, मीन्स कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट हो सकती है, कोई एक फिक्स वैल्यू हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होगी, इसी को बोलेंगे डिटर्मिनेंट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और क्लेरिफाई करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट आई मीन टू से। स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल्स। सपोज हमारे पास ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है, 2, 5, 1, 3, ये 2x, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इससे एसोसिएट करेगा एक डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट का सिंबल अभी मैंने आपको बताया नहीं, जैसे मॉडुलस फंक्शन का सिंबल होता है सिमिलर वैसे ही सिंबल होते हैं, बट ये लाइनिंग्स यू होंगी, तो ये दिस नॉट इक्वल, इक्वल का साइन मैं नहीं लगाना है यहाँ पे, तो आप इक्वल का साइन हटा दोगे, इक्वल यहाँ पे यूज नहीं करना है। ओके, तो डिटर्मिनेंट एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स 2, 5, 1, 3 इज रिलेटेड एज दिस। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ओके, तो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। आप ये डिफिनीशंस कंप्लीट करिएगा। सिंबल्स कैसा होगा, सिंबल्स कुछ ऐसे होंगे, सपोज करो ये एक मैट्रिक्स का सिंबल है जो स्क्वायर है, तो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, दिस इज द डिटर्मिनेंट सिंबल, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। मैट्रिक्स के लिए हमने 3 सिंबल्स डिस्कस कर चुके हैं, बट डिटर्मिनेंट्स के लिए केवल सिंगल सिंबल ही डिस्कशन में है, तो इसका एक ही नोटेशन है, ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए।
एक छोटा सा एग्जांपल भी दे दिया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो हम उसका डिटरमिनेंट निकाल के कैसे हम उसकी वैल्यूज निकालेंगे, वो नंबर्स कैसे निकालेंगे जो एसोसिएट हो रहा है पर्टिकुलर मैट्रिक्स से। देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, 1 by 1 देखते हैं। सबसे पहले हम कैटेगराइज करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है। तो 1 by 1 देखते हैं किस ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स है 1 x 1 की मैट्रिक्स लेते हैं। सपोज 1 x 1 की एक छोटी सी मैट्रिक्स होगी, सपोज ये 3 है, तो दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 x 1। अच्छा, यहाँ पे और है, रो और कॉलम्स इक्वल हैं, तो बेटर हम ऐसे बोलते हैं दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। नीड नॉट टू बी ऑलवेज यूज द वर्ड रो बाई कॉलम। रो और कॉलम्स की वैल्यू इक्वल है तो हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ। इससे जो डिटर्मिनेंट एसोसिएटेड होगा, दिस कैन बी रिटन लाइक 3। अब ये आप सोच रहे हो कि दिस इज द सर, ये तो मॉडुलस का फंक्शन ही है। यस, जो भी है यही है, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो गई, 3। बट ये मॉडुलस से डिफरेंट कैसे है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल माइनस का भी ले लेता हूँ। -5, ये भी 1 x 1 की मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, -5, एंड दिस इज इक्वल टू -5 नॉट +5। तो ये गलती मत करना कि इसको मॉडुलस का सिंबल समझना, यहाँ पे रेफरेंस कुछ और है। ओके, तो क्लियर हो गया हाउ टू फाइंड 1 x 1 मैट्रिसेस, हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स एसोसिएटेड विद 1 x 1 मैट्रिसेस। तो ये है, तो ये तो नॉट इक्वल का साइन आप मत लगाना, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, ये इससे एसोसिएटेड एक वैल्यू है, दैट इज द डिटर्मिनेंट्स। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 x 2 का एग्जांपल्स लेते हैं। अब ध्यान से ये देखना, यहाँ से स्टार्ट हो गया है आपको, ये एक मैट्रिक्स है 2 x 2 की, 2, 3, 5, 7। ओके, इससे एसोसिएटेड जो डिटर्मिनेंट होगा, वी कैन राइट 2, 3, 5, 7। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिंगल नंबर्स नहीं है जैसे हमने 1 x 1 में देखा था। इसको निकालने का मेथड है, आप ये एरो जो मैं बना रहा हूँ, एरो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, देन सब्ट्रैक्टेड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। एक्चुअली दिस इज 7 × 2 दैट इज 14, -5 × 3 दैट इज 15, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1। तो -1 इज द नंबर एसोसिएटेड विथ दिस डिटर्मिनेंट। ओके, फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 x 2 का। 2 x 2 के एग्जाम्पल्स में मैं फिर से एक नंबर बनाता हूँ, आप बिल्कुल कन्फ्यूजन मत करना कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कोई भी नंबर एसोसिएट कर सकता है। अब वहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू ली थी, मैंने यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, उससे एक डिटर्मिनेंट एसोसिएट करता हूँ, और ये दिस इज द ऑर्डर 2 x 2 जिसको हम बोलते हैं, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। अब जो मैट्रिक्स एसोसिएट करेंगे, इस मैट्रिक्स से जो डिटर्मिनेंट एसोसिएट करेंगे वो होगा, सिंबल चेंज होगा, वाई एक्स। जो वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, पहले लीडिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई करोगे, बताया जा चुका है x × x, x² y × y, y² तो ये वैल्यू अलजेब्रिक फॉर्म में भी आ सकती है, बिल्कुल कन्फ्यूजन ना रहे किसी को भी, न्यूमेरिकल है, पॉजिटिव नेगेटिव, इवन अलजेब्रिक फॉर्म में। तो ये एग्जांपल हो गया 2 x 2 का। तो आई होप 2 x 2 आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम 3 x 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 x 3। सो चेक करते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक 3 x 3 की मैट्रिक्स बनाता हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। 3 x 3 की मैट्रिक्स एकदम सिंपल सी बनाता हूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपको याद रखने हैं जरा, सीक्वेंस में मैंने नंबर ले लिए हैं। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, तो डिटरमिनेंट जो इससे एसोसिएटेड हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल सिंबल चेंज हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तो डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंटेशन होगी। अब वो वैल्यू क्या होगी जो डिटर्मिनेंट के लिए हम यूज करेंगे, उस वैल्यू को देख लेते हैं। सिंपल सा एक छोटा सा रूल है, आपको ध्यान भी रखना है उस रूल को। जब 3 x 3 डिटर्मिनेंट की आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो, आप इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर सकते हो। रो मीन्स ये फर्स्ट वाली रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, किसी भी रो के अलॉन्ग आप एक्सपेंशन कर सकते हो। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है। तो
किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंशन कर सकते हो। इसकी वैल्यू यूनिक होगी, ऐसी नहीं कि आपने फर्स्ट रो के अलोंग वैल्यू निकाली दूसरी होगी। मेथड अभी आपको बताता हूँ फर्स्ट रो के अलोंग कैसे निकालते हैं, फर्स्ट कॉलम के अलोंग कैसे निकालते हैं, फर्स्ट सेकंड रो या सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम के अलोंग कैसे निकालते हैं। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अलोंग निकालना, बाकी और मेथड हम नेक्स्ट वीडियोज में बताते रहेंगे। तो फर्स्ट रो के अलोंग कैसे निकालना है ध्यान रखना, स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, फर्स्ट रो के अलोंग हम वैल्यू निकालना अभी सीखेंगे। फर्स्ट रो दैट मीन्स ये वाली रो हो गई, इस पर कंसंट्रेट करना, ध्यान देना फर्स्ट रो को, रो तो सारे जानते ही हो। हमें क्या करना है, वन लिखना है। फर्स्ट रो का पहला मेंबर क्या है, वन है। अब फर्स्ट रो का जो पहला मेंबर है वन है, क्लियर। वन रो, फर्स्ट रो का फर्स्ट मेंबर वन है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपको भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। सो डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स व्हाट आई मीन टू से, बेसिकली यू हैव टू डिलीट द रो एंड कॉलम कंटेनिंग वन, जो वन को कंटेन करते हैं रो, फर्स्ट रो में भी आ रहा है फर्स्ट कॉलम, उसको डिलीट करने के बाद आपके पास कौन सी मैट्रिक्स आ रही है, इनफैक्ट कौन सा डिटर्मिनेंट आ रहा है, 5 6 8 9, 2x2 डिटर्मिनेंट अभी हमने जस्ट सीखा है। इसकी वैल्यू आप निकाल लो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 5 = 45, 8 × 6 = −3। इस वैल्यू को आप रख लेना, अभी हम ऐड करेंगे। अगली वैल्यूज हम निकालेंगे फर्स्ट रो में ही, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो का दूसरा मेंबर क्या है, 2। ओके, अब हम 2 के अलोंग करेंगे, 2 को भी वही रूल है, 2 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उस रो और कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, भूल जाइए, जो उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट बच रहे हैं उनको लिख लेते हैं, 4 6 7 9, ये 2x2 का डिटरमिनेंट है, यहाँ पे डिटरमिनेंट का सिंबल लगा दिया। मेंबर जिसकी वैल्यू 2 थी, 2 की न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखनी है, जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा उसको लिखना है। अब यहाँ पे माइनस या प्लस लगेगा ये वाला साइन, ये भी आपको डिसाइड करना है। माइनस प्लस कैसे होगा, 2 की लोकेशन बताओ, 2 कहाँ पे है, 2 है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, दोनों का एडिशन करो रो और कॉलम का, तो फर्स्ट रो मीन्स 1, सेकंड कॉलम मीन्स 2, 1 + 2 ऑड आएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। बेसिक फार्मूला ये है, −1 की पावर i + j, आई रो के लिए है, जे कॉलम के लिए, पहले से भी आप जानते हो, दोनों का सम करने से मतलब −1 की पावर अगर आप इवन लगाओगे तो इवन, +1 आएगा, −1 की पावर अगर आप ऑड पुट करोगे तो −1 आएगा। तो सिंपल से ये ध्यान रखो कि रो और कॉलम का एडिशन अगर इवन आता है तो हमें प्लस साइन देना है, और अगर इनका एडिशन ऑड आता है तो माइनस साइन देना है। ओके, अब 2x2 का डिटरमिनेंट आपने सॉल्व कर रखा है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बेसिकली। तो −2, यहाँ पे एक्चुअली इक्वल का साइन नहीं है, मैं अभी एक साथ कंपाइल करूंगा तो आपको बता दूंगा ये इसका मतलब क्या है। 4 × 9 दैट इज 36, −7 × 6 = 42, और ये हो गया −2, और यहाँ पे −6 हो गया, −2 × −6 क्या हो गया, +12, तो ये वैल्यू भी नोट कर लीजिए आप, +12 हो गई। ओके, अब 3 मेंबर है फर्स्ट रो में, लास्ट मेंबर है 3, इसके अलोंग भी हमें एक्सपेंशन करना है, तो फिर वही रूल, 3 कंटेनिंग फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 3 कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है 1, थर्ड कॉलम है, तो 1 + 3 प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, यहाँ पे 3 लिखते हैं, और जो 2x2 का डिटरमिनेंट है उसको लिखते हैं 4 5 7 8। ओके, दिस इज 3, 4 × 8 दैट इज 32, −35, तो ये वैल्यू हो गई −3, मल्टीप्लीकेशन में हो गया −9। ओके, तो देन डिटरमिनेंट 3x3 की जो वैल्यू होगी वो सारे फर्स्ट रो की जो तीनों वैल्यूज हमने निकाली है सारे को एडिशन करना है। तो एक बार एडिशन करके हम देख लेते हैं बेसिकली हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है। देखो, फर्स्ट हमने निकाला था −3, फिर हमने निकाला +12, उसके बाद हमने अब भी निकाला −6। ओके, तो हमने पहले क्या निकाला था एक बार फिर से देख लेते हैं,
माइनस थ्री, फिर निकाला हमने प्लस ट्वेल्व, फिर हमने निकाला माइनस नाइन, सारे को हम एक साथ ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ट्वेल्व माइनस प्लस ट्वेल्व, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो डिटर्मिनेंट एसोसिएटेड द गिवन मैट्रिक्स ऑफ 3x3 जीरो, बाई चांस यहाँ पे जीरो आ गया है, कोई भी नंबर आ सकता है, मेथड यही है। हमने एक्सपेंशन सीखा फर्स्ट रो के अलॉन्ग, अब आप फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एकदम सिमिलर पैटर्न में आप कर सकते हो, रूल सही है, एकदम सेम रूल है। आप मैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग भी इसी एग्जाम्पल्स में आपको, या दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, नहीं तो बार बार कन्फ्यूजन होगा। आप इसी एग्जाम्पल में फर्स्ट रो के अलॉन्ग हमने कर दिया, आप फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग करिएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल्स हम लेकर के देख लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल्स आप क्रिएट कर लो, जिससे आपको यहाँ पे हम इस बार फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे। एग्जाम्पल एक फॉर्म कर लेते हैं जल्दी से, एक एग्जाम्पल है हमारे पास 1 2 3 माइनस थ्री, 2 माइनस 1, 2 माइनस 4 एंड 3, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन सीखेंगे। तो पहले भी बताया, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये 6 वेज से हमारे पास 6 तरीके हैं जिससे आप वैल्यू डिटर्मिनेंट की निकाल सकते हो 3x3 में। हम मैंने फर्स्ट रो आपको थोड़ा सा बता दिया, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग देख लीजिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। मैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग निकाल के आपको बता रहा हूँ, आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अभी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग ही कंसंट्रेट करिए, बाकी सारे और तरीके मैं बता दूंगा। सिंपल सा तरीका है, इसमें देखते हैं, पहले फर्स्ट रो में 1 आता है, फर्स्ट कॉलम में पहला 1 एंट्री है। ओके, तो 1 कर लेते हैं, और फर्स्ट 1 को कंटेन करने वाला जो कॉलम और रो है उसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ये बार बार क्रॉस नहीं करते जाना है आपको, बस थोड़ी देर के लिए वहां से हटाना है। तो ये हो गया 1, यहाँ पे है 2 माइनस 1 माइनस 4 एंड 3, तो ये बेसिकली हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो गया 6 माइनस, माइनस का साइन लगाना है फिर मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना, मैंने 2x2 में सिखा दिया आपको। माइनस 4 इंटू 4 दैट इज 4, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये वैल्यू को देख लेते हैं, ये वैल्यू हो गई 2। उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं हम, अभी फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग ही चल रहे हैं, तो अब इस माइनस 3 हमारे टारगेट में है। नेक्स्ट देखते हैं माइनस 3, सेकेंड वाले फर्स्ट कॉलम में सेकेंड मेंबर्स की तरफ देखना है, माइनस 3। माइनस 3 की लोकेशन क्या है, ये है सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो मीन्स 2, फर्स्ट कॉलम मीन्स 1, दोनों को ऐड करोगे होगा 3, दैट इज माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दोगे, ठीक है। ऑड नंबर आए तो माइनस लगा दो, बस इतना ध्यान रखो, इवन आए तो प्लस लगेगा। ओके, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस 3। मेंबर्स की एलिमेंट्स तो सेम कॉपी करना है, अब उसके बाद जो एलिमेंट्स जिस रो में है जिस कॉलम में उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ऐसे क्रॉस का साइन क्वेश्चन के टाइम में मत लगाना, बस समझने के लिए आप अभी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। 2 3 माइनस 4 एंड 3, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 3। ओके, ये हो गया 6, ये हो गया माइनस 12 और माइनस फिर से होगा, एक माइनस तो ये आ गया और एक माइनस सब्ट्रैक्शन में होता ही है, तो प्लस 12, तो 12 प्लस 6 ये हो गया 18, 3 इंटू 18 दैट इज 54, तो ये आ गया 54, इसको आप नोट कर लो। ओके, अब चलते हैं थर्ड मेंबर्स की तरफ, फर्स्ट कॉलम में ही जो थर्ड मेंबर है 2, तो इसकी लोकेशन क्या है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3 प्लस 1 4, इवन नंबर है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। एक्चुअली ऐसे चलता है, अगर अल्टरनेट आप देख रहे हो, एक बार प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस का साइन प्लस, यहाँ पे 2 लिखना है 2। अब ये जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हम पूरे डिलीट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अब जो बचा सिंपल में 2 3 2 एंड माइनस 1 देखते हैं, माइनस 2 और ये माइनस 6, तो माइनस 2 माइनस 6 और बाहर भी 6 था, ये कितना हो गया माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16। तो अब देख लेते हैं टोटल तीनों का सम करना है, तीनों जो भी वैल्यूज आती हैं फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग सारे का सम करना है। अभी मैं इसको समराइज भी कर दूंगा आपको, बेसिकली वो कह रहा है, तो सारे का एडिशन करना है, देखते हैं फाइनल वैल्यू क्या हो गई। फर्स्ट हमारा 2 आया था, फिर हमारा 54 आया, अभी आया माइनस 16, तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी हो गई,
40. तो ये फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग भी आपने सीख लिया. इसी तरीके से आप 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे. अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर इन जनरल कोई मैट डिटर्मिनेंट है 3x3 का तो एक्चुअल में होता क्या है, इन जनरल उसकी लोकेशन क्या होती है. तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए. देखो हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है 3x3 की, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको शायद याद होगा. तो हम क्या लिखते थे, A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, ये तो करते थे. फिर A31, A32, A33, ये है. इससे एसोसिएटेड हमारे पास डिटर्मिनेंट्स आ गया. अभी हमने आपको सिखाया गया, बेसिकली हमने यही तो सिखाया आपको कि इसकी वैल्यू होती है सम ऑफ फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो होगा A11, इसके साथ होगा डिटर्मिनेंट्स, डिलीटिंग द रो एंड कॉलम कंटेनिंग A11, तो हमारे पास क्या हो जाएगा A22, A23, A32, A33, ओके. फिर प्लस अब A12, 12, 1+2 माइनस में आया, तो यहाँ पे प्लस मैंने लगाया कि सारे का एडिशन होगा, इसलिए माइनस ऑफ A12, फिर इसको डिलीट करो जिस रो और कॉलम में आ रहा हो, रो और कॉलम में आ रहा हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A21, A23, A31, A33, ओके. फिर उसके बाद प्लस A13 करना है, मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग चल रहा हूँ इसी का बता रहा हूँ तुम्हें. फिर डिलीट करना है रो और कॉलम को जिसमें ये A13 है, हमारे पास हो जाएगा A21, A22, A31, A32. तो बेसिकली ये होती है किसी भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, यही हम पढ़ रहे हैं. आप 4.1 करो, जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे क्वेश्चन बता देना, उसी का नेक्स्ट वीडियो हम बनाऊंगा. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट हम आगे के टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे. ओके.